दोस्तों, अगर आप पासपोर्ट अप्लाई करना चाहते हैं, पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, तो इसमें जो कि सबसे पहला आपको नीड होती है डॉक्यूमेंट की। तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए पासपोर्ट बनवाने के लिए? दोस्तों, अगर आप ACR पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो इसमें मार्कशीट की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें आपके पास एक एड्रेस प्रूफ, जैसे आप बैंक पासबुक, जन्म प्रमाण पत्र ऐसा कुछ लगा सकते हैं, और ID प्रूफ के लिए आधार कार्ड काफ़ी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसमें से कोई भी एक दो ID आपके पास होनी चाहिए। फिलहाल जो अनपढ़ हैं वो अभी सिर्फ बैंक पासबुक और आधार कार्ड, पैन कार्ड ये लेके जाके अपॉइंटमेंट डेट लेके जाके बनवा ले रहे हैं बिल्कुल आसानी से। तो अगर आप NCR या ECR पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो NECR में आपके पास हाई स्कूल प्लस मार्कशीट होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आपको पासपोर्ट की डेट जो होती है, जो डेट होती है पासपोर्ट अपॉइंटमेंट डेट, वो लेके दिखाने वाला हूँ कैसे अपॉइंटमेंट डेट लेके उसके बाद आपको पासपोर्ट ऑफिस जाके अपना वेरिफिकेशन करवा के पासपोर्ट बनवाना है। तो इसके लिए आपको एक लॉगिन ID की ज़रूरत पड़ती है, जो कि पासपोर्ट की लॉगिन ID होती है, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है वो कैसे बनेगी। अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पर जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो कि मैं आ चुका हूँ अपने पेज पर, यहाँ पर आने के बाद जो पासपोर्ट ऑफिस का पेज है, यहाँ पर आने के बाद आपको एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन, क्योंकि मैं पहले से बना रखा हूँ, तो यहाँ से एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अपना जो कि आपके पास लॉगिन ID है वो आपको इसमें टाइप कर लेना है। लॉगिन ID टाइप करने के बाद सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको अपना पासवर्ड टाइप कर लेना है, जो कि पासवर्ड आपने बनाया है। वो टाइप करने के बाद नीचे जो कैप्चा शो हो रहा है, आपको सिंपली कैप्चा को फिल कर देना है, जो कि आपके सामने दिख रहा है। कैप्चा फिल करने के बाद लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद ये हमारा मेरा जो है पासपोर्ट सेवा का पेज ओपन होकर आ गया। ये होम पेज है हमारे पासपोर्ट सेवा का। तो यहाँ से अभी मुझे पासपोर्ट अप्लाई करना है, न्यू पासपोर्ट अप्लाई करना है। तो ये सबसे पहले दिख रही है अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट एंड रीइशू ऑफ पासपोर्ट, तो यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो सबसे पहले लिंक आ रही है, यहाँ क्लिक है टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से अपना स्टेट चूज़ कर लेंगे, जो भी आपका स्टेट है, और यहाँ से आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेनी है। अभी यहाँ पर आ गया पासपोर्ट टाइप, आप किस टाइप का पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, फ्रेश पासपोर्ट या रीइशू। अगर आप रिन्यूअल करवाना चाहते हैं, आपका पासपोर्ट खो गया है, डैमेज हो गया है, या आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी हो चुकी है, तो रीइशू। अदरवाइज़ आप नया बनवाना चाहते हैं तो फ्रेश पासपोर्ट पे क्लिक कर लेंगे। और यहाँ पर दूसरे नंबर पर टाइप ऑफ एप्लीकेशन, आप किस टाइप का एप्लीकेशन सेलेक्ट करना चाहते हैं, नॉर्मल, तत्काल। अगर आप तत्काल जल्दी डेट लेना चाहते हैं तत्काल पर क्लिक कीजिए, अदरवाइज़ आप नॉर्मल पर ही रहने दीजिए। और यहाँ पर बुकलेट टाइप में आप 36 पेज का भी ले सकते हैं और 60 पेज का भी ले सकते हैं। तो फिलहाल मैं 36 पेज का ले रहा हूँ। तो इसके बाद यहाँ तीनों सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर डिटेल फिल करने के आगे, जो कि आपकी बेसिक डिटेल्स हैं वो फिल कर लेनी है। बेसिक डिटेल्स अपनी जितनी है वो फिल कर लेनी है। सबसे पहले नाम, जो भी आपका नाम है, और उसके बाद यहाँ आपका जो भी सरनेम है डालिए, अदरवाइज़ ये कंपलसरी नहीं है। उसके बाद यहाँ से अपना जेंडर चूज़ कर लेना है। जेंडर चूज़ करने के बाद अब यहाँ पर जो दो ऑप्शन दिख रहे हैं, क्या आपका कोई अदर नाम है या दूसरा नाम है, नहीं है तो नो पर कीजिए, अदरवाइज है तो यस पे कीजिए, और आप अपना नाम चेंज करना चाहते हैं तो यस, अदरवाइज़ नो। और उसके बाद यहाँ से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ टाइप कर लेना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ टाइप करने के बाद नेक्स्ट पे आ गया इज़ योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, क्या आप इंडिया से बाहर के हैं, भारत से बाहर के हैं, नहीं तो नहीं पर रहने देना है। और यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो अपना प्लेस ऑफ बर्थ टाइप कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ से स्टेट ले लेंगे अपना, जो भी आपका स्टेट है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ मैरिटल स्टेटस, क्या आप शादीशुदा हैं या नहीं, या
विधवा हैं, डिवोर्स हैं, मैरिड हैं, जो भी हैं, आप सिंगल हैं तो सिंगल पर क्लिक कर लीजिए। और सिटीजन ऑफ इंडिया बाई बर्थ, आप जन्म से रह रहे हैं, यस, यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ पर रहने देना है। उसके बाद एम्प्लॉय टाइप में आप काम क्या करते हैं, जो भी करते हैं लिख दीजिए, अदरवाइज अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो नॉट एम्प्लॉयड पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आपका कोई जो भी आपके घर के मेंबर हैं, कोई गवर्नमेंट में है तो यस, अदरवाइज नो पर क्लिक कीजिए। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहीं से आपको ECR NCR का पता लगेगा। अगर आप हाई स्कूल पास हैं तो 10 पास एंड एबो पर क्लिक कर देंगे, अदरवाइज 7 पास और लेस पर क्लिक करेंगे। जैसे करेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर नो पर चला जाएगा, ECR पे, मतलब इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड पे। अगर आप यहाँ से 10th लेते हैं तो ऑटोमेटिक यस रहेगा। तो फिलहाल मैं जो हूँ पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो यहाँ से 7 पास पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर डाल देना है, आधार नंबर टाइप करने के बाद यहाँ से एग्री पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। अब दूसरा स्टेप आ गया यहाँ फैमिली डिटेल्स का, तो यहाँ पर अपने फादर का नाम, जो भी आपके फादर का नाम है, और यहाँ पर आपके मदर का नाम, अगर आप शादीशुदा होते तो यहाँ पर आपको वाइफ का नाम या हस्बैंड का नाम डालना पड़ता, फिलहाल आप नहीं हैं तो नेक्स्ट पे कीजिए। नेक्स्ट पे करने के बाद अब यहाँ से आपको अपना पूरा एड्रेस टाइप कर लेना है विथ हाउस नंबर के, यहाँ पर हाउस नंबर से लेके आपको पूरा एड्रेस अपना टाइप कर लेना है। यहाँ एड्रेस लिखने के बाद फिर से एक बार विलेज अपना लिख देना है। उसके बाद यहाँ आपका स्टेट जो है ऑटोमेटिक सेलेक्ट है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट है। उसके बाद यहाँ से आपको अपना पुलिस स्टेशन जो कि थाना अपना सेलेक्ट कर लेना है। थाना सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से अपना एरिया पिन कोड, जो भी आपके एरिया का पिन कोड है, वो सिलेक्ट कर लेना है। एरिया पिन सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ से अपना मोबाइल नंबर टाइप कर लेना है, जो कि आपको इंक्वायरी के लिए भी इस्तेमाल होगा यही नंबर। यहाँ से मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद नेक्स्ट यहाँ आपको अपनी एक मेल आईडी कोई भी ले लेनी है, जो मेल आईडी आपके पास हो। मेल आईडी लेने के बाद इज परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, ये परमानेंट आपका एड्रेस अवेलेबल है यानी है या नहीं है तो यस पे कीजिए, अदरवाइज नो पर। सेम एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यस पे क्लिक कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप आएगा, पॉपअप को ओके कर लीजिए। फिर से दोबारा से एक पॉपअप आएगा, उस पॉपअप को ओके कर लीजिए। ओके करने के बाद यहाँ से एक इमरजेंसी नंबर जो भी आपके पास है, एक इमरजेंसी डिटेल्स इसमें इनके गांव के, जैसे जिसे गवाह बोलते हैं, एक गवाह इसमें ले लेना है और उनका मोबाइल नंबर। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहा है, आपने इससे पहले कभी पासपोर्ट अप्लाई करवाया है या नहीं, तो यहाँ पर नॉट अवेलेबल पे कर देना है, यहाँ पर भी नो कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अदर डिटेल्स में यहाँ अगर आप किसी तरीके का केस है, पुलिस केस या कोई भी केस है, तो यस, अदरवाइज सबको नो कर दीजिए। आप सिंपली सबको बिना कुछ सोचे समझे इसमें सबको नो कर दीजिए। नो करने के बाद यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपका पूरा पासपोर्ट शो हो जाएगा। अब यहाँ से आपको अपनी पूरी डिटेल चेक कर लेनी है, जो कि आपने अभी अभी भरा है। यहाँ से एक बार चेक करने से ज़्यादा अच्छा रहता है, कभी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि पेमेंट होने के बाद इसमें कुछ सुधार नहीं होता।
यहाँ से पूरा डिटेल जो भी है आपका, ये देखिए आपने मार्कशीट लगाए होते तो यहाँ पर ये लिख के नहीं आता। अगर आप मार्कशीट लगाए होते तो यहाँ पर मार्कशीट नहीं लगा हुआ, इसलिए ये शो हो रहा है। अगर आपका ये सारा डिटेल ओके है, बोले तो सब कुछ सही है, तो सब सारी डिटेल आप चेक करने के बाद अगर आपको सब सही लगता है तो नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से प्रूफ ऑफ बर्थ में यहाँ एक आईडी चूज कर लेनी है। मैंने ई आधार चूज़ कर लिया। ये आधार कार्ड आपको एक ई आधार ले जाना पड़ेगा, और दूसरे में प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंटल एड्रेस में मैंने बैंक किसान पासबुक बैंक पासबुक सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से अपना प्लेस टाइप कर लेंगे। प्लेस टाइप करने के बाद यहाँ से एग्री करके सबमिट फॉर्म पर क्लिक कर देंगे। सबमिट फॉर्म क्लिक करने के बाद अब यहाँ से अब डेट लेने की बारी है, तो यहाँ पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट, यहाँ से आपको पेमेंट करनी है जो कि 1500 रुपये कटते हैं पासपोर्ट के लिए। तो यहाँ से ओके करके नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप एक बारी फिर से चेक कर लीजिए नाम और डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पर करने के बाद आप यहां से अपना लोकेशन, जो भी आपके पासपोर्ट ऑफिस का लोकेशन लेना चाहते हैं वो आप यहां से सेलेक्ट कर लीजिए। जिस भी पासपोर्ट ऑफिस आप जाना चाहते हैं, जो भी आपके नज़दीक में है, उसके बाद यहां से कैप्चा फिल कर लेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद नेक्स्ट पर किसी नेक्स्ट करेंगे। यहाँ से आप देख लीजिए आपको जो डेट है, डेट आपके सामने खुल के आ जाएगी। इस डेट को अपॉइंटमेंट आपकी खाली है। और यहाँ देखिए आपको पेमेंट जो करनी है, पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ से आपका मोबाइल नंबर शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ से आपको डेट ले लेनी है, जो भी डेट इसमें शो हो रही है। उसके बाद पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक कर देना है। बाद पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से एक पॉपअप आएगा, पॉपअप को ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे यहाँ से कई सारे ऑप्शन आपको दिख जा रहे हैं, SBI नेट बैंकिंग, अदर नेट बैंकिंग, जो कि अदर नेट बैंकिंग 6 रुपये चार्ज है। उसके बाद स्टेट बैंक डेबिट कार्ड, UPI की इसका 0 है, सिर्फ क्रेडिट कार्ड का पड़ता है, बाकी सभी का 0 है। तो मैं अदर बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट करने वाला हूँ, तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद एक बारी फिर से कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट कर लेना है। अब यहाँ से आपको पेमेंट पर रिडायरेक्ट कर देगा। अब यहाँ से आपको अपना कार्ड डिटेल्स फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ से एक्सपायरी डिटेल्स अपना देख भर लेना है। और यहाँ पर अकाउंट होल्डर नेम, और उसके बाद CVV टाइप करने के बाद लास्ट में ऑप्शन आ रहा है कैप्चा फिल करने का, तो यहाँ से आपको अपना कैप्चा फिल कर लेना है। कैप्चा फिल करने के बाद सिंपली पे के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही पे के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP चला जाएगा पासपोर्ट ऑफिस की तरफ से। उस OTP को सिंपली इसमें टाइप कर देना है। OTP टाइप करने के बाद सिंपली आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके अकाउंट से 1500 रुपये काट लिए जाएंगे, और यहाँ पर आपको पेमेंट जो है कम्प्लीटली सक्सेसफुल हो चुका है। पेमेंट सक्सेस होने के बाद कुछ सेकेंड, यानी यहाँ पर 10 सेकेंड रुकेंगे तो ये रिडायरेक्ट पेज हो जाएगा। ये हमारा डेट सक्सेसफुली बुक हो चुका है। अब यहाँ से प्रिंट अपॉइंटमेंट पर क्लिक कर लेंगे। प्रिंट अपॉइंटमेंट क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ से
प्रिंट अप्लीकेशन रिसिप्ट पर जाएंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके कर देंगे तो ये मेरा रसीद निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ से सिंपली मुझे प्रिंट निकाल लेना है।